हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। उससे सब्जेक्ट से संबंधित जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देखेंगे और रिपीटेडली एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम ज़रूर करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस ऑपरेशन यूजिंग टाइमिंग सिग्नल। ऐसा कौन सी यूनिट है जो टाइमिंग सिग्नल का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन के बीच में कोऑर्डिनेट का काम करती है? तो हमने जो अभी COA का पूरा रिवीजन वीडियो देखा था उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस तरह के क्वेश्चन देखने में। ALU करती है मेमोरी यूनिट, IO यूनिट या कंट्रोल यूनिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइमिंग सिग्नल का यूज़ करके डिफरेंट ऑपरेशन के बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रजिस्टर विच कंटेन डेटा। रजिस्टर है वो क्या कंटेन कर रहा है? डेटा कंटेन कर रहा है और वो डेटा टू बी रिटर्न इनटू और रीड आउट ऑन द एड्रेस लोकेशन इज कॉल्ड। उस डेटा को रीड किया जा रहा है और उसको राइट किया जा रहा है एक एड्रेस लोकेशन से। वो डेटा कहाँ पे रखा जाता है, कौन उसे डेटा को कंटेन करेगा? तो वो रखता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। इसकी हमने बात की थी, इसको MDR भी बोलते हैं और इसे MBR भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CPU ऑफ ए कंप्यूटर टेक इंस्ट्रक्शन फॉर मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम, दिस प्रोसेस इज नोन एज। देखो, CPU जो है वो मेमोरी से मेमोरी का नाम ले रहा है, इसका मतलब क्या है? RAM। CPU जब भी डेटा लेता है RAM से, इसे बोला जाता है फैच करना। और जब भी वो उस लिए गए डेटा के ऊपर काम करता है, ऑपरेशन करता है, कुछ ना कुछ प्रोसेस करता है, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूट करना। तो ये कहलाएगी फैच और एग्जीक्यूट साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एड्रेसिंग मोड इज एन इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म ऐड 05 और 06। इन दोनों नंबर को ऐड करना है। डेटा हमें डायरेक्ट मिला है, ये एक कैसा एड्रेसिंग मोड है? एब्सोल्यूट, इनडायरेक्ट, इंडेक्स या इमीडिएट? देखो, ओप कोड के आगे जस्ट हमें डेटा मिल जाए वो कहलाता है इमीडिएट मोड। द एड्रेसिंग मोड यूज्ड इन द इंस्ट्रक्शन पुश बी जो जिसमें भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो एड्रेसिंग मोड क्या कहलाता है? डायरेक्ट, रजिस्टर, रजिस्टर डायरेक्ट या इमीडिएट? वो एड्रेसिंग मोड क्या कहलाता है? रजिस्टर। आपने डेटा कहाँ से लिया है? पुश किया है बी रजिस्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए माइक्रोप्रोसेसर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज स्टोर्ड इन। तो इसको हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रोप्रोसेसर या प्रोसेसर जिस भी इंस्ट्रक्शन पे काम करता है उस एड्रेस लोकेशन से अगली एड्रेस लोकेशन का एड्रेस कौन रखता है? प्रोग्राम काउंटर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है PC। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर ओनली एसेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑन ए माइक्रोप्रोसेसर चिप एंड दस इन्हेंसेज इट्स स्पीड इज रेफर टू एज। एक ऐसा हमें बताना है इंस्ट्रक्शन सेट जो क्या करता है, कम इंस्ट्रक्शन रखता है, एसेंशियल जानकारी ही वो अपने पास रखता है और इससे क्या होता है, सिस्टम की स्पीड बढ़ेगी। तो ये बात हमने की थी रिस्क के अंदर, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क के अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो कम कर दिए जाते हैं, एसेंशियल चीज़ें हम एक लाइन में या दो लाइन में ही सब कुछ डिफाइन करते हैं। बट सिस्क क्या करता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर सारी इंस्ट्रक्शन देता है जिससे साइज़ भी इंस्ट्रक्शन का बढ़ता है और स्पीड भी जो है वो सिस्टम की स्लो होती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रजिस्टर इन द माइक्रो प्रोसेसर। एक माइक्रो प्रोसेसर में ऐसा रजिस्टर होता है दैट कीप ट्रैक ऑफ द आंसर और रिजल्ट ऑफ एनी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन इज द। अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन के जो रिजल्ट आते हैं उनको रखने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए एक माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर यूज लिया जाता है। उसे क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटर, स्टैक पॉइंटर, PC प्रोग्राम काउंटर या फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट रिजल्ट रखने के लिए कौन सा रजिस्टर होता है, एक्यूमुलेटर। ये ही अर्थमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशन के रिजल्ट आते हैं उनको सेव करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज गिवन एक्सप्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शन। अब ये जो इन्होंने बताया है, ये पूछा है कौन सा एड्रेसिंग मोड है। देखो, रजिस्टर 4 के अंदर हम डायरेक्ट डेटा दे रहे हैं, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं,
एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो ये किस तरह का मोड हो जाएगा? डेटा को आप ऐसे दो हैश 3 या फिर आप 03 दो, तो ये सब किस में आ जाएंगे? आप डेटा जो भी दे रहे हो वो इमीडिएट दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच इज़ नॉट ए प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कौन सा एक प्रोग्राम कंट्रोल का इंस्ट्रक्शन नहीं है? कंपेयर करना, मूव करना, कॉल करना या जंप करना? तो जंप करना जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एड्रेसिंग मोड यूज्ड इन दिस इंस्ट्रक्शन, इसे हम कौन सा एड्रेसिंग मोड बोलेंगे? इंडेक्स बोलेंगे, इमीडिएट बोलेंगे, एब्सोल्यूट बोलेंगे या इनडायरेक्ट? देखो आप इसको डायरेक्ट देख के आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे हमें क्या दे रखी है? डायरेक्ट हमें मेमोरी के लोकेशंस दे रखे हैं, और मेमोरी लोकेशन डायरेक्ट अगर दे रखी है, बीच में कोई भी हमें रजिस्टर नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, तो भी हम कौन से रजिस्टर को एड्रेसिंग मोड को सेलेक्ट करेंगे? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को। यहाँ पे देखो रजिस्टर होता तो आर यूज़ होता, रजिस्टर यहाँ पे यूज़ नहीं किया। इनडायरेक्ट मतलब कोई ऐसा कोई रजिस्टर नहीं था, या कोई एक ऐसी कोई मेमोरी नहीं थी जहाँ पे रजिस्टर में कोई डेटा सेव कर रखा है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही मेमोरी के एड्रेस दे दिए। मेमोरी में रखे गए एक ऐसे दो वेरिएबल जैसे एक्स और वाई, उनको आपको दे दिया। अब इसके अंदर जो डेटा है उसे आप क्या करो, सीधा प्लस कर लो। तो ये भी किस में होता है? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेमोरी विच डज नॉट लूज इट्स कंटेंट ऑफ फेलियर ऑफ पावर सप्लाई, इट इज़ नॉन एज। पावर सप्लाई जाने के बाद भी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो अपने कंटेंट को लॉस नहीं करती? वो होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए सिंगल कॉन्टीन्यूअस स्पायरल ग्रूव। सिंगल कॉन्टीन्यूअस, कंटिन्यू आपने डेटा सेव कर रखा है और स्पायरल ग्रूव में कर रखा है, इस तरह से जो मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन है उसे क्या बोलेंगे? सीडी रोम, रैम, हार्ड डिस्क या फ्लोपी डिस्क? तो वो होती है सीडी रोम, जिसके अंदर डेटा कंटिन्यूसली आपने सिंगल कंटिन्यूअस स्पायरल ग्रूव के अंदर सेव कर रखा है, ऑर्गेनाइज कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इम्प्रूव द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। किस मेमोरी की वजह से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ती है? वर्चुअल मेमोरी से, प्राइमरी मेमोरी से? अब प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? रैम और रोम, तो यहाँ पे रैम की भी बात हो जाएगी। सेकेंडरी मेमोरी या कैश? यहाँ पे अगर देखो कैश नहीं दी हुई होती तो मैं यहाँ क्लिक करती कि रैम से स्पीड बढ़ेगी। जितना ज़्यादा साइज़ रैम का होगा सीपीयू को जल्दी डेटा मिलने के चांसेस होंगे, बट हमें यहाँ पे क्या मिला है? कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा स्पीड से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ यूज टू सुपरवाइज ईच इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू। सीपीयू के अंदर होने वाले प्रत्येक इंस्ट्रक्शन का कौन एक ऐसी यूनिट है जो सुपरवाइज करता है? कंट्रोल यूनिट, एक्यूमुलेटर, ALU या कंट्रोल रजिस्टर? तो ये हमें पता है अच्छे से कौन होता है कंट्रोल लॉजिक यूनिट। इसको CU बोल दो डायरेक्ट, कंट्रोल यूनिट, तब भी वही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का क्या एग्जाम्पल होता है? देखो डायरेक्ट में हमें क्या दिया होता है, उस मेमोरी का एड्रेस हमें दिया होता है लोड 2050। यही सेम हमने शायद एग्जाम्पल देखा था, जिस जगह आपको डायरेक्टली मेमोरी का एड्रेस ही दे दे कि आपको डेटा जहाँ से उठाना है उस मेमोरी का एड्रेस ये है, वो होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इंस्ट्रक्शन जब भी एग्जीक्यूट होता है तो उसमें एक साइकिल होती है जिसे बोला जाता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। मेन मेमोरी से जब डेटा उठाओगे वो फैच होता है, उसके ऊपर जो पहले उस डेटा को आप डिकोड करते हो, समझते हो, 01 में चेंज करते हो, इसे आप किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, डिकोड होता है, देन एग्जीक्यूट होता है। इनडायरेक्ट करके कोई भी एक साइकिल में कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा एक नोट क्या अक्कर नहीं होता इंस्ट्रक्शन साइकिल में, तो इनडायरेक्ट कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी इंस्ट्रक्शन शुड हैव एटलीस्ट। किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर एटलीस्ट क्या होना ज़रूरी है? शुड हैव एटलीस्ट 2 ऑपरेंड होने ज़रूरी है, 1 ऑपरेंड होना ज़रूरी है, 3 ऑपरेंड या नन ऑफ दी अबव। तो आपने देखा सबसे छोटा इंस्ट्रक्शन कौन सा था, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हम लिख रहे थे पुश ए, कम से कम आपको 1 ऑपरेंड तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। असेंबली लैंग्वेज यूजेस, असेंबली लैंग्वेज किस भाषा का प्रयोग करती है? हेक्स कोड का, बाइनरी कोड का, निमोनिक्स का या ASCII? तो ये क्वेश्चन तो हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, इस कोड को बोला जाता है निमोनिक्स।
असेंबलर क्या करता है, मशीन भाषा को कन्वर्ट करता है निमोनिक्स में, या असेंबली भाषा को कोड कर चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में? करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम डिवाइस रिक्वायर अर्जेंट सर्विस, नॉर्मल एग्जीक्यूशन और प्रोग्राम्स में समटाइम बी प्रीएम्प्टेड यूजिंग, कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिवाइस है कि अर्जेंट सर्विस को उनको डिमांड, उन्होंने अर्जेंट सर्विस की डिमांड की, तो हमें बाकी के जो प्रोग्राम है उनको एक बार प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा और उसकी रिक्वेस्ट को हमें पहले मानना पड़ेगा। ये कहलाता है इंटरप्ट सिग्नल, DMA, रिक्वेस्ट मेमोरी मॉड्यूल, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये कहलाता है आपका इंटरप्ट सिग्नल, मतलब आपने एक बार पूरी प्रोसेस को इंटरप्ट कर दिया। और इंटरप्ट IO के अंदर भी हमने देखा था, जहाँ पे इंटरप्ट हो गया वहाँ पे CPU को अपना चलता हुआ काम एक बार छोड़ के जिस वजह से इंटरप्ट हुआ है उसको एक बार देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR जो है वो क्या रिकोगनाइज करता है, ये किसे रिकोगनाइज करेगा? शेप को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर द कंप्यूटर टू वर्क, कौन सा एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है? तो वो होता है CPU। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। पिक द वन यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन और कंपैरिजन सच एज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ये सब काम कौन करता है? ये देखता है ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट बाय जनरेटिंग, कंट्रोल यूनिट अदर यूनिट को कंट्रोल करता है, इसके लिए वो क्या जनरेट करता है? कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंटेन डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, ये काम कौन देखेगा? ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है CPU, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वो क्या क्या कंप्यूटर में कंसिस्ट करता है? इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, ALU, रजिस्टर। तो करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, CPU के अंदर तीन चीज़ें होती है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर। CPU की इंटरनल मेमोरी क्या होती है? सेट ऑफ रजिस्टर, सेट ऑफ ALU, या माइक्रो प्रोसेसर, या फिर बस। तो ये मैंने आपको बताई थी, CPU के पास अपनी खुद की इंटरनल मेमोरी होती है, सेट ऑफ रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर जो वर्ड होता है यूजुअली रेफर्स टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और क्या चीज़ होती है? एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, तो वो होती है इंटरनल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ CPU, CPU का एक पार्ट यहाँ पे है, ALU, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सारे पेरिफेरल हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड, कंट्रोल यूनिट को क्या बोलते हैं? क्लॉक बोलते हैं, नर्व सेंटर बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, या IC बोलते हैं? इसे बोला जाता है नर्व सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ ALU और जो CU है हैव द स्पेशल पर्पज स्टोरेज लोकेशन, उन स्टोरेज लोकेशन को क्या बोलेंगे जो ALU और CU के पास अपनी खुद की होती है, पर्सनल होती है, स्पेशल पर्पज के लिए होती है? वो होते हैं रजिस्टर। अब ये क्वेश्चन काफ़ी जगह एग्जाम में पूछते हैं कि DRAM जो होता है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, उसकी रिफ्रेशिंग रेट क्या होती है? 30 माइक्रो सेकेंड, 50 माइक्रो सेकेंड, 3 माइक्रो सेकेंड, या 500 माइक्रो सेकेंड? करेक्ट आंसर देख लेना आप क्या होता है, 3 माइक्रो सेकेंड। कैश मेमोरी और जो मेन मेमोरी है विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ, ये क्वालिटी क्या कहलाती है, वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल? ये कहलाती है वॉलेटाइल, वो अपनी डेटा को लॉस कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील्स, रील्स के ऊपर कौन सी स्टोरेज डिवाइस जो है माउंट की जाती है? वो होती है मैग्नेटिक टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डेटा, क्या रखेगा मैक्सिमम डेटा? यहाँ पे कौन सी डिवाइसेज हैं, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, या फिर मैग्नेटिक टेप? ये दोनों आप नाम हमेशा ध्यान रखना, मैग्नेटिक टेप का मतलब होता है जो आपने CD देखी होगी, कैसेट जिनको बोलते थे, दो ऐसे इस तरीके से थे, अंदर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप रोल होती थी, जो पुरानी गाने सुनने वाली कैसेट होती थी, उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। और मैग्नेटिक डिस्क होती है हार्ड डिस्क, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेटा कौन रखेगा? वो रखेगा हार्ड डिस्क। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेटा ट्रांसफ़र इन विच डेटा ट्रांसफ़र इज़ डन क्विकली, सबसे फास्ट किस में होता है? तो DMA में। हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल डिस्कशन कर लिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो COA जो सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। कैश मेमोरी को यूज़ किया जाता है बिकॉज रीडिंग एक्सटर्नल मेमोरी इज़
जो बाहरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क हो गई या कोई और मेमोरी है, वो स्लो होती है। और कंपेयर टू किसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ में स्पीड, किसके सामने उनकी स्पीड कम होती है, एक प्रोसेसर के सामने। इस वजह से हम कैश मेमोरी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज हैविंग ए हाईएस्ट प्रायोरिटी वाइल असाइनिंग इंटरप्ट। अगर इंटरप्ट इन चारों में से कोई भी करता है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, जिसको सीपीयू सबसे पहले अटेंड करेगा। हार्ड डिस्क, प्रिंटर, फ्लॉपी, कीबोर्ड, तो वो होता है कीबोर्ड। अब आप सोचो कि सीपीयू अगर हैंग होता है कई बार, अपना पूरा जो विंडो है वो काम करनी बंद कर देती है, हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से कमांड देते हैं एल्ट F4 की या एल्ट कंट्रोल डिलीट की देते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी सिस्टम में चल रहा होता है वो एक बार बंद हो जाता है और कमांड लेना शुरू कर देते हैं। तो कीबोर्ड की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू टेम्परेरली होल्ड द सीपीयू, सीपीयू को आपने टेम्परेरली अलग रख दिया, एंड यूज़ दिस टाइम टू सेंड इन्फॉर्मेशन ऑन बसेस। और सीपीयू अपना काम कर रहा है अलग, और आप जो है वो उस टाइम में क्या कर रहे हो, बस का यूज़ ले रहे हो उस इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। ये क्या कहलाती है, DMA, वैक्टरिंग इंटरप्ट, पॉलिंग या फिर साइकिल स्टीलिंग। तो ये कहलाती है साइकिल स्टीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेटा ट्रांसफर स्कीम विच प्रिवेंट द सीपीयू फ्रॉम डूइंग एनी अदर टास्क। सीपीयू को आपने मना कर दिया, प्रिवेंट कर दिया कि आप कुछ भी टास्क अलग नहीं कर सकते वाइल इट इज़ वेटिंग फॉर द डेटा ट्रांसफर। और वो क्या कर रहा है, वेटिंग कर रहा है डेटा ट्रांसफर के लिए। ये कौन सा एक IO मॉड्यूल था, ये था प्रोग्राम्ड IO। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक दैट एक्सटेंड द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ मेन मेमोरी इज कॉल्ड मल्टी टास्किंग, वर्चुअल स्टोरेज, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या बोल रहा है ये, मेन मेमोरी का साइज़ तो है 500 MB, बट वो डेटा कैसा सेव कर रही है, 1 GB तक का डेटा वो सेव कर रही है। इस तरह की जो एक सिस्टम होता है पूरा, हम क्या बोलेंगे, 500 GB तो उसने रैम वाला यूज़ ले रखा है, बट 500 GB जो आपको दिख नहीं रहा, उतना तो रैम भी नहीं है फिर भी डेटा रखा हुआ है, तो वो एक्चुअल में रखा हुआ होता है हार्ड डिस्क में, और जैसी ज़रूरत होती है सबसे पहले उसे ले लिया जाता है। इस तरह का सिस्टम कहलाता है वर्चुअल स्टोरेज, कि वो स्टोरेज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, बट ये थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट वर्चुअल स्पेस के लिए यूज़ लिया जाता है। तो किसी भी कंडीशन में रैम अगर फुल होती है तो वर्चुअल स्पेस को वो यूज़ ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा। आपको जो डेटा चाहिए आप उसके ऊपर डायरेक्ट जाके जंप करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये किस तरह की एबिलिटी है, फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, डी फोल्डर में कोई हमारा एक फाइल पड़ी है उसको ओपन करना है, हम क्या करेंगे, सी को एक्सेस नहीं करेंगे, ई को नहीं करेंगे, डायरेक्ट डी पे जंप करेंगे, डी में जो फोल्डर है जिसमें फाइल है उस पे डायरेक्ट जाके जंप करेंगे। ये होती है रैंडम एक्सेस करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एट द टेम्परेली हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन द मेमोरी एंड CPU दे बाय इम्प्रूविंग द प्रोसेसिंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। तो एक ऐसी टेम्परेली हाई स्पीड की मेमोरी होती है जो डेटा को होल्ड करके रखती है, रखी कहाँ होती है, देखो मेमोरी और CPU के बीच में। मेमोरी का मतलब मैं आपको हमेशा बोलती हूँ रैम होता है, और मेमोरी और CPU के बीच में क्या रखा हुआ होता है, यहाँ पे एक हाई स्पीड के लिए मेमोरी रखी होती है कैश। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। तो यहाँ तक हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी क्वेश्चंस थे वो देख लिए। अब आप खुद भी प्रैक्टिस कर लेना आपके पास अगर है तो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। लास्ट टाइम पे ये एक अच्छा रिवीजन हो सकता है अगर किसी ने COA नहीं किया आज से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।